अंकित कुमार जैन ने एक दिन कत्ल खाने व मीट की दुकानें बंद करने को लेकर मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को लिखा पत्र। संबल भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष व जैन समाज के सक्रिय सदस्य अंकित कुमार जैन ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को पत्र भेज मनाए जा रहे दक्ष लक्षण पर्व के अंतिम दिन मात की दुकानों को बंद रखने की मांग की। अंकित जैन ने भेजे गए अपने पत्र में कहा कि जैन समाज के लाखों लोग करुणा और जीव दया पर विश्वास रखते हुए अपनी परंपराओं को निभाते हैं। इस समय जैन समाज का महत्वपूर्ण माना जाने वाला दक्ष लक्षण पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व का अंतिम दिन अनंत चौदस के रूप में 1 सितंबर को मनाया जाएगा। इसलिए जैन समाज मांग करता है कि इस दिन किसी भी तरह से जीव हत्या न हो, इसके लिए 1 सितंबर को मांस की दुकानें और जीव कत्ल खाने पूरी तरह से बंद रखे जाए। पूरा मामला यह है कि जैन समाज के 10 लक्षण पर्व 10 दिन के मनाए जाते हैं। 10 दिन की समाप्ति के बाद अनंत चौदस आता है, जो जैन समाज का बहुत बड़ा पर्व होता है, जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और लाखों अनुयायी जैन समाज के इस पर्व को मनाते हैं। मैंने माने मुख्यमंत्री जी को लिखित में एक लेटर भेजा है और साथ ही ट्विटर के माध्यम से भी उन्हें भेजा है। मैंने उनसे कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैन समाज का नारा है भगवान महावीर स्वामी ने जो दिया है कि जियो और जीने दो, उस संदेश के तहत हमें आगे बढ़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि एक दिन के लिए जीव दया को कम से कम उसके कत्ल खाने, मीट और मांस की दुकानें और जहां कहीं भी फैक्ट्रियां मीट और मांस की चलती हैं, उस एक दिन के लिए आप पूर्णतः बंद रखें, ताकि एक दिन जीवों को जीने का और मिल सके और जीव दया के साथ हम आगे बढ़ सकें। जैन समाज प्रमुखता से हमेशा ये मुद्दा रखा है जैन समाज ने कि जियो और जीने दो। हम इसी संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इस वार्ता को, हमारी बात को सुनते हुए आप आने वाली 1 सितंबर 2020 को, जो अनंत चौदस का पर्व है जैन समाज का, उस दिन मीट और मांस की दुकानें और कत्ल खाने बंद करें।